combination are built into the structures all around us. In homes, in workplaces, everywhere, even in Parliament. An explosive allegation that throws the spotlight on the culture inside Parliament House. आपने अपने इर्द गिर्द माशरे में ऐसे गैर मुनसिफाना रवैयों को महसूस किया होगा, हत्ता कि ना चाहते हुए भी आपने बर्दाश्त भी किया होगा, जिसमें जिंस की बुनियाद पर आपने किसी को पिटते, मार खाते, हत्ता कि जिंदगी की बाजी हारते भी देखा हो। न्यूज़ से मैं हूँ सुमैया खुर्शीद। 2021 was different. More Australians started to listen. The more people listened, the more familiar the story became. Women right around the country said, "This is my story." One out of every five women will be sexually assaulted or raped in their lifetime. If you're a First Nations woman, a woman of colour, a woman living with a disability, or are queer, those stats are even worse. The simple truth is, I was bullied out of my job. I remember him saying, "Don't make a sound." Well, hear me now. Using my voice amongst a growing chorus of voices that will not be silenced. With human rights violations and gender-based violence. And all these stories are connected. The collective voice that roared in 2021 is not going away. We want an end to the darkness. ऐसा तशद्दुद जो जिंस की बुनियाद पे हो उसे जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं। जहानबीन में आज हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तरक्की करती ये दुनिया आज भी इतनी बैकवर्ड क्यों है कि जिंस जो कि आपके और मेरे अख्तियार में नहीं उसे बुनियाद बना के तशद्दुद किया जाता है। इसी हवाले से अक्वामे मुत्तहिदा के सरबरा ने 25 नवंबर को ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन से कबल अपने पैगाम में कहा है कि ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को ख़त्म करके इसे किस्से पारीना बना दें। जबकि सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि दुनिया में हर 11 मिनट में कोई एक खातून या लड़की अपने ही किसी साथी या रिश्तेदार के हाथों कत्ल होती है। इसी तरह कोविड-19 वबा से मौशी बदहाली तक तनाव की बहुत सी कैफियत के बायस जिस्मानी और ज़ुबानी बदसलूकी में शिद्दत आई है। जन बेजार नफरत पर मबनी इजहार और जिनसी हरासानी ने ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ ऑनलाइन इस्तेसाल को बढ़ा दिया है। एंटोनियो गुतरेस ने इस दिन के लिए अपने पैगाम में वाज़े किया कि दुनिया को इंसानों की निस आबादी के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, तशद्दुद और बदसलूकी की भारी कीमत चुकाना पड़ती है। जबकि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज़ 11 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। पिछले 6 सालों में इस तरह के 22,000 से ज़ायद वाक़यात पुलिस को रिपोर्ट हुए हैं, ख़ास तौर पर 2015 से 21 के दौरान। जिनसी बुनियाद पर तशद्दुद एक मुश्तरका चैलेंज है और ये दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जियों में से है। बदकिस्मती से मौसमियाती तब्दीली, आलमी तनाज़ात और इक्तसादी अदम इस्तेकाम के एक दूसरे से जुड़े हुए बहरानों के नतीजे में इसका फैलाव बढ़ रहा है। नवंबर के आखिरी हफ्ते हुकूमत और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, डायलॉग्स का इनेकाद किया जाता है। GBV यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस पे होने वाली एक वर्कशॉप में मारूफ ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी और सिंधी मसावात की वकील वर्जीनिया होसिगर ने कहा है कि विमेन वायलेंस इज़ अ ह्यूमन वायलेंस कल्चर, ख़वातीन या किसी भी जिंस पे तशद्दुद का बहाना नहीं है। जिंसी बुनियाद पर तशद्दुद तमाम कौमों और तमाम कम्युनिटीज़ में आम है। बहैसियत सहाफ़ी हमारा काम है कि ख़वातीन को महफूज रखने में निज़ामी का नाकामियों पर रोशनी डालें। उन्होंने ये भी कहा कि अहम है कि हम मुजरिमों के किरदार के बारे में अपनी समझ को गहरा करें और मुतासर ख़वातीन की मीडिया में आवाज़ उठाने में मदद करें। We are all human beings, and human rights are the same everywhere. Human rights are fundamental, and it is women's human rights that are being abused when women experience violence. And to suggest, as has been suggested in Australia many times, for many, in various cases of family violence, domestic violence, that it was a private matter between husband and wife. No. Human rights are human rights. Women's rights are human rights. If a woman is being violated or abused or demeaned, harassed, we're talking about basic rights, and that's the same the world over.
So culture is not an excuse for violence against women. Culture is not an excuse for bad treatment of women. Culture is not an excuse for disrespect of women. And culture is not an excuse for regarding women as less important. And I think they're the things, those thoughts, have been very much behind the shift that we're finally seeing in the Australian media in the way we tell these stories and the way we listen to victims, hear their stories, look for the connections, and talk to, as I said earlier, the experts. You know, violence against women is the same the world over. That's the truth. It is about disrespecting women, and it is about gender inequity and gender inequality. So, the story is changing in Australia, but we still have cases of violence every week. But what has changed is the way the media is listening and telling the story. And I think perhaps the biggest shift is being in us. It's the violence hasn't changed. It is that we as in we in the media, the producers, the commentators, the journalists, presenters, have shifted our thinking to understand that, not everyone, by the way, we still have problems, believe me, but shifted our thinking to understand better that these are stories about our culture. These are stories about our system. These are stories about our politics, what it is and isn't doing. That's what we need to focus on. And as I said earlier, as journalists, as people who work in the media, we are a lot more powerful, I think, than we understand, because our work, what we do, is so influential in informing people. The media frame the way the public sees an issue. You know, we frame it. The way we frame the issue is the way the public will digest it, take it on. So if we start changing our thinking about violence against women as not just another story of horrific detail, but as a systemic problem that we need to, as I say, connect the dots, keep coming back to, what do we know? पाकिस्तानी सहाफ़ी और ट्रेनर अंबर शमसी ने कहा है कि चोरी, धोखाधही या दीगर छोटे जराइम के बरक्स सिंफी बुनियाद पर तशद्दुद एक ऐसा जुर्म है जो दूसरों से जुड़ा हुआ है। हमने अंबर से जानने की कोशिश की कि क्या समझती है कि जब जेंडर बेस्ड वायलेंस पे कानून साजी होती है तो इस पर अमल क्यों नहीं होता नज़र आता। जब कानून नासाजी हो जाती है और अमल दरामद नहीं होता तो हमेशा यही कहा जाता है कि कानून और बनाने की ज़रूरत नहीं है, कवानीन है तो अमल दरामद क्यों नहीं होती। देखिए, कानून साजी थोड़ा सा इतना मुश्किल, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा आसान काम लगता है, उसमें थोड़ा सा वक्त भी लगता है, उसमें वो नज़र भी आता है, लेकिन अमल दरामद करने में ज़्यादा वक्त लगता है, कानून साजी से भी ज़्यादा वक्त लगता है। अगर हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस देखें तो उसमें अदालतों का काम भी है, उसमें जजों का भी काम है, उसमें पुलिस का भी काम है, उसमें जो वकला हैं और वकला बिरादरी है उनका भी काम है। अब ये बहुत ज़्यादा एक ऐसे डाइवर्स ग्रुप है जिससे आप किस तरह से हर किसी से कैसे काम बैक वक्त काम करवा सकते हैं, तो इसी वजह से देर लगती है। हम देखते हैं पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि एक कोई फ़र्द होगा कोई एक इदारे में जो बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, लेकिन वो इदारा या निज़ाम को नहीं बदल सकता। निज़ाम तभी बदलेगा जब दो तीन ऐसे लोग होंगे और वो एक प्लान, एक मनसूबाबंदी के साथ आएंगे कि हमने अगर रेप के कवानीन, उसमें तब्दीली आई है, यानी कि उसमें कवानीन में कुछ तरामीम भी हुई हैं, तो हमने कैसे यकीनी बनाना है कि कन्विक्शन हो, कि सज़ाएं मिले। ये 3 साल लगेंगे और हमने इसके लिए ये करना है, उसके लिए एक इंटेलेक्ट भी चाहिए होती है, विल भी चाहिए होती है, ज़्यादा लोग भी चाहिए होते हैं, और बहुत सारे ग्रुप्स को, जिसका मैंने निशानदेही की, जिसमें वकला, जजेस, पुलिस, तो ये सब लोग अगर शामिल हों और कर सकें तो फिर ही अमल करना।
ये एक हकीकत है कि इस हवाले से रिपोर्टिंग और हसास हो जाती है। सहाफ़ी हो या रिपोर्टर्स, आखिर वो इसी माशरे से आते हैं जो सिंफी बुनियाद पर तशद्दुद को बरकरार रखता है, इसीलिए उन्हें अपने तासुब का जायज़ा लेने की ज़रूरत है ताकि वो मुनसिफाना और हसास तरीके से रिपोर्टिंग कर सकें। बिलाखिर मीडिया पर्सन इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या हमारा मीडिया, खुसूसन सोशल मीडिया, जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से कवरेज में इस मौजू की हसासियत और मीडिया एथिक्स को मलहूज़ खातिर लाता है, ख़ासकर सोशल मीडिया के थंबनेल्स और अखबारात की सुर्खियाँ इस तरह के केसेस को मज़ीद बिगाड़ नहीं देते? जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस होते हैं, ऐसे इस किस्म का तशद्दुद होता है जिसकी बुनियाद जिंस होती है, उसके हवाले से अक्सर रिपोर्टिंग सनसनी होती उस पर करते हैं, क्योंकि ये जराइम इसको समझा, जुर्म तो समझा जाता है, जुर्म तो है लेकिन ये ख़ास किस्म का जुर्म है। लेकिन क्योंकि जो क्राइम रिपोर्टिंग होती है वो सनसनी बहुत बिकती है, इसको भी उसी तरीके से लिया जाता है। और फिर हमारा ख़वातीन के हवाले से जो माइंडसेट है, जो रवैया है, वो ख़वातीन को कमतर समझते हैं कि ख़वातीन एक सेक्स ऑब्जेक्ट भी हैं, ख़वातीन को शायद वो अहमियत, और मैं यही कह रही कि अहमियत बतौर माँ, अहमियत बतौर बहन वगैरह वगैरह, मैं कह रही हूँ कि उनको वो वाली एक बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, अदम मसावात का शिकार रहती है, तो एक आसान टारगेट भी रहती है। तो ये सनसनी की आड़ में जो इस किस्म के केसेस को ख़राब भी किया जाता है, ख़वातीन की मैं कहूँगी तकलीफ भी उनको पहुँचाया जाता है, उनको हदफ भी बनाया जाता है, और ज़ाहिर है फिर अखबार बिकता है, क्लिक्स और लाइक्स आ जाते हैं और आप बच के निकल जाते हैं। सही, मीडिया का किरदार अच्छा है, उस पर ही हेडलाइन होती है, जिसपे आजकल आप देखें सोशल मीडिया पे जो हाइप क्रिएट होती है उसी को मीडिया हाइप रिपोर्ट करता है। अगर सोशल मीडिया इस वक्त नहीं होता तो बहुत मुश्किल भी हो जाता। तो मीडिया का किरदार बस बैलेंस्ड है, और वो भी आप समझते हैं कि रेटिंग का गेम है, जल्दी जल्दी बस न्यूज़ चलाओ और उसके बाद उसको फॉलो नहीं करो, मीडिया का किरदार बस बैलेंस है। इसमें ये केसेस जो है सोशल मीडिया जो है वो एक नेगेटिव रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर पोस्ट पेपर लिखा होता है कि मुजरिम पकड़ा गया, मुजरिम सामने आ गया, जुर्म हो गया, वो जो फेक हेडिंग्स बनाते हैं सोशल मीडिया को अपनी पोस्ट को प्रमोट करने के लिए, वो इसका एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव होता है जो सामने आता है, जिससे केस कमज़ोर पड़ जाता है और जो जुर्म करने वाला है उसका बचाव बहुत आसानी हो जाता है। तो सोशल मीडिया जो है वो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उसमें वेरीफिकेशन नहीं है। अगर हम अपने चैनल पे कोई न्यूज़ ऑन एयर करते हैं या हम अखबार में भेजते हैं तो हमसे उसके एविडेंस मांगते हैं, सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो दिल चाहे वो पोस्ट कर दें। लेकिन मुजम्मिल फिरोजी, बहुत सारे केसेस तो सोशल मीडिया से उठे और उसके बाद वो टेलीविजन पर आए। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, मगर वो एक हद तक जाता है। सोशल मीडिया किसी को आप देखें ना, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए तो सोशल मीडिया एक किरदार अदा करता है, मगर अगर हम न्यूज़ वेरिफिकेशन की बात करें, हम फैक्ट्स की बात करें, तो हम वो सोशल मीडिया पे आज तक रिलाई नहीं किया गया, क्योंकि उस पर वो चीज़ें मनगढ़ंत भी हो सकती है और मैं ये कहते हैं बनाई भी जा सकती है। जैसे बहुत सारी पिक्चर्स लोगों की गलत अपलोड की गई जिसमें वो बंदा नहीं था या वो बंदी नहीं थी, उसे तस्वीर अपलोड की गई, इसलिए ये फैक्ट तो हमें मानना पड़ेगा कि प्रेशर बिल्डअप करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रेशर बिल्डअप नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है कि हमारा मीडिया जेंडर बेस्ड वायलेंस की खबरों को सियासी खबरों के आगे गैर अहम समझता है? पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम इस कदर रहता है कि जो बहुत गहरे और अहम मसाइल हैं, जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस का केसेस हैं, जिसमें तालीम का मसला है, जिसमें सेहत का मसला है, जिसमें सैलाब मुतासरीन अब भी दर दर फिर रहे हैं और वो मदद मांग रहे हैं, ये मसाइल पीछे रह जाते हैं। और क्योंकि जो सियासत होती है, आप समझे सियासत पाकिस्तानी सहाफत के लिए एक आइटम नंबर की तरह होता है, आइटम नंबर बिकता है, आइटम नंबर से पहले होता है और आइटम नंबर कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो संजीदा सहाफत होती है, संजीदा मसाइल होते हैं, वो जब तक लोग खुद नहीं चाहेंगे और देखेंगे तब तक जो मीडिया वाले हैं वो भी आगे उनको नहीं करेंगे। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो दीगर मसाइल पे हम बातचीत नहीं कर सकेंगे। तो कई वजूहात हैं जो नज़र आता है कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के केसेस हैं, उनको इतनी अहमियत क्यों नहीं दी जाती? नहीं, उसकी कोई तादाद नहीं है, कभी ज़्यादा भी हो सकती हैं, कभी कम भी होती है, कभी नहीं भी होती है। अब ये है कि रिपोर्टर के पास सारी चीज़ें, जैसे सारी चीज़ें कवर नहीं होती और सारी चीज़ें मीडिया तक भी नहीं पहुँचती,
लेकिन सबसे पहले जो हमारी जो रिपोर्टर से जो जो हिदायत होती है वो होती है कि भाई कवर तो करें दारे के लिए इस खबर को, लेकिन पहले अपनी सेफ्टी है और उसके बाद जो विक्टिम है ख़ासतौर पे जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से आगे जो मुतासर है उसका आपने उनका रजामंद ज़रूर लेनी है कि भाई ये हम वाक़ जो खबर वाक़ हुआ है जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसको हम टीवी पे चलाएं ना चलाएं, पहले उनकी रजामंदी ज़रूरी है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं उसको टीवी पर हाईलाइट करने। जिनकी बुनियाद पर तशद्दुद का शिकार जहां बच्चे खवातीन ट्रांसजेंडर हैं तो वहीं मर्द भी इसका शिकार होते नज़र आते हैं, मगर देखने में आया है कि खवातीन और बच्चों के लिए तो फिर भी आवाज़ उठ जाती है मगर मर्द बताने से कतराते हैं बल्कि मुआशरा उनका तमस्खुर भी बना देता है। ये मर्दों पे जो तशद्दुद होता है, जिंसी तशद्दुद होता है, बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया है कि होता ज़रूर है लेकिन शायद खवातीन की नस्बत मजीद उसका कम भी रिपोर्ट होता है। उसकी बुनियाद भी जो हमारा एक मुआशरे में तासर है जिन्स के हवाले से, हम समझते हैं कि अगर मर्द एतराफ़ करे कि उसके साथ जिन्सी तशद्दुद हुआ है तो वो औरत बन जाएगा, ये मैस्कुलिनिटी उनकी थ्रेटनिंग हो जाएगी या इसको एक्सेप्टेबल नहीं समझा जाएगा सोसाइटी में। अब क्योंकि बहुत सालों से खवातीन अपनी आवाज़ भी उठा रही हैं, ऐसी खवातीन बहुत वोकल और एक्टिव भी हैं उन खवातीन के लिए जो जिंसी तशद्दुद का शिकार रहती हैं, लेकिन मर्दों के लिए मेरे ख्याल में और भी मुश्किल है क्योंकि अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं समझा जाता, वो पुलिस के पास कम जाते हैं, रिपोर्ट कम होते हैं और मीडिया में कम उठाया जाता है। तो कानून में तब्दीली हुई है क्योंकि अब कानून के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत इसका जिन से ताल्लुक़ नहीं है, आपका जो आपकी जो सज़ा होगी आपकी जिन्स की बुनियाद पे नहीं होगी लेकिन उस अमल के बुनियाद पे होगी, यानी कि जो जिनसी तशद्दुद आपके साथ हुआ होगा उसकी बुनियाद पे सज़ा होगी। बिल्कुल ऐसा होता है, वो तो जेंडर बेस का मतलब इसमें औरतें तो नहीं है, खाली मर्द भी इस पर सहते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर जहाँ पर कहीं ज़्यादा खवातीन हो या अगर मींस कि अगर हम बात करें जैसे अगर किसी हस्बैंड ने किसी मर्द ने दो शादियाँ की हैं तो उसकी बीवी उसको मारती है। Exactly. और ये हमने बहुत सारे केसेज में कोर्ट में देखा है कि उसकी बेगम ने उसको कोर्ट में आके मारा है या उसकी दूसरी बीवी ने उसको दुकान पर आके मारा है। तो इट डज़ नॉट मीन कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि तशद्दुद जो है वो औरतों पर ही होता है, तशद्दुद मर्दों पर भी होता है। जिन्स की बुनियाद पे मर्द को भी निशाना बनाने की बात पे कानूनी माहिर सारा मलकानी ने बताया कि जी मर्दों के केसेस भी हैं रेप के और सेक्सुअल अब्यूज के, और 2021 से पहले जब मर्दों का रेप होता था तो वो एक प्रोविज़न था हमारे पीनल कोड में अननेचुरल ऑफेंसेस, तो उसमें वो दर्ज होते थे केसेस अगर सामने आए। लेकिन अब जो तरमीम हुई है कानून में तो उसमें जो हमारा रेप का प्रोविज़न है अब वो ये रिकग्नाइज़ करता है कि मर्द भी रेप के विक्टिम्स हो सकते हैं। तो सारा देखने में आया है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऐसे केसेस भी सामने आए, पहले रिपोर्ट हुए कि जिनसी तशद्दुद हुआ है मगर केसेस आगे नहीं बढ़ सके, क्यों? जी कई दफ़ा जो फिज़िकल एविडेंस होता है वो नहीं अवेलेबल होता, या अगर जैसे DNA एविडेंस वो अवेलेबल नहीं होता, कई दफ़ा कुछ केसेस में जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है वो सही नहीं की जाती, कुछ कई दफ़ा देखते हैं कि अगर कोई विटनेसेस हो वो फिर कोर्ट के सामने नहीं आते। लेकिन हमारी अदालत ने एक अगर एक औरत का बयान है कि उसके साथ ये तशद्दुद हुआ है और अगर उसका बयान क्रेडिबल हो तो हमारी अदालत ने उसकी बयान के बुनियाद पर भी कन्विक्शन कर सकती हैं और करती हैं, लेकिन जो सब सारा जो एविडेंस है उसको एक टोटालिटी में देखा जाता है। जी बिल्कुल। सारा क्या जिंसी तशद्दुद के वाकयात की अलग अदालतें मौजूद हैं? जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में चलते हैं, यहाँ पर कराची में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स डेजिग्नेट हुए हैं। तो जो ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं वो अब उन अदालतों में जा रहे हैं ट्रायल्स के लिए। माजिद खान, एक क्राइम रिपोर्टर होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि लोग आखिर इस तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने से क्यों घबराते हैं जबकि उनके तहफ्फुज़ के लिए कवानीन भी मौजूद हैं? मोस्टली जो है 50% रिपोर्ट होते हैं और 50% रिपोर्ट नहीं होते। उनकी वजह यह है कि बहुत से लोग थाने जाने से डरते हैं और पुलिस का बिहेवियर ऐसा होता है जिस बिना पे फैमिलीज नहीं जा पाती। सही। और बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कोशिश करती हैं कि इस चीज़ को हाईलाइट ना होने दिया जाए। सही। इसको अपने तौर पे दबा दें।
मुजम्मिल, 1% से भी कम रेप केसेस का रिपोर्ट होना हैरान कुन है, आखिर क्या वजह है कि क्राइम रिपोर्ट नहीं होता? असल मसला ये है कि रेप केसेस जो रेप केसेस हाईलाइट होते हैं वो इतने हाई प्रोफाइल बन जाते हैं कि उनको सॉर्ट आउट करना पड़ता है और उसको वो इस तरह से डील किया जाता है कि हमारे यहाँ जैसे फिदियत दी जाती है, दी जाती है, या जो पॉलिसी पार्टी होती है उसको इतना नवाज दिया जाता है कि उनको खामोश होना पड़ता है। अगर वो खामोश नहीं भी होते तो उनके पास इतनी सख्त नहीं है कि वो हमारी अदालतों का सामना कर सकें। हमारी अदालतों में इतना लॉन्ग प्रोसीजर है कि जो हर बंदा उसको उसका फॉलोअप नहीं कर सकता, वो इतना पैसा किसी के पास नहीं है वो उस पर खर्च करे। इससे बेहतर है कि वो उसके जो भी मुका कर लिया जाता है और उनको पैसे देकर, उनको आसाइश देकर, उनको चीज़ें देकर उनका मुँह बंद कर दिया जाता है और इस तरह जो विक्टिम है वो खामोश हो जाता है और जो जुर्म करने वाले लोग हैं वो और पावरफुल हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ दो कानून हैं, अमीरों के लिए अलग है और गरीबों के लिए अलग है। जब तक कानून यकसा मसावी नहीं होगा हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मसावात बहुत ज़रूरी है। देखने में ये भी आता है कि जिंसी तशद्दुद के केसेस में पहले खबर आती है, केस रिपोर्ट होते हैं, फिर खबर आती है कि मौफी तलाफी हो गई। क्या घरों में होने वाले तशद्दुद को लोग तशद्दुद नहीं समझते या फिर कुछ और मामला है? सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते, एक हेडलाइन चलाते हैं और एक रिपोर्ट करते हैं, बस खत्म। माजिद दौराने सहाफत, इस तरह के हसास नौयत के जो केसेस होते हैं उन पे काम करते हुए, उन्हें रिपोर्ट करते हुए आपको खुद को कितना प्रेशर होता है और क्या इदारा इस तरह के केसेस को आसानी से रिपोर्ट करने देता है और आपको इस तरह की क्राइम स्टोरी के बाद किन चैलेंजेस का सामना रहा? बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा और इदारा स्टार्टिंग में ही रोक देता है कि इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इंटरनली अपने तौर पर खामोशी से कर रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बाज़ अवकात फ़ोन्स आते हैं और थ्रेड्स भी मिलती हैं, फ्रंट पर आकर लोग देते हैं और बाज़ अवकात इसके अगेंस्ट FIR भी कटी है हमारे ऊपर। अच्छा, आपने फेस की हैं FIRs? जी, FIR फेक FIRs फेस किए हैं मैंने। सही। और बहुत मुश्किलात करनी पड़ती हैं सामने। मुजम्मिल फिरोजी, जेंडर बेस्ड वायलेंस की केसेस में खुद सहाफ़ी, मुतासर शख्स और शायद पुलिस भी कितना सर्वाइव करते हैं? ये बहुत केसेस इस तरह के होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो लोग, जो पुलिस है वो जो ना किरदार अदा नहीं करती, उसको अदा करना चाहिए। इसमें मेन ये होता है कि जब कोई भी खातून जिसका वाकया रोनुमा हो, जब पुलिस स्टेशन जाती है तो उससे जो सवाल का सामना करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल होता है और उसका जवाब देना हर खातून के लिए मुनासिब नहीं होता है, वो नहीं दे सकती। गो के हमारे यहाँ पर वुमेन पॉलिसी का तसव्वुर है और वो कायम भी की गई है मगर वो इतनी कम है कि आपको वो आटे में नमक के बराबर है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें पुलिसिंग में इतना चेंज लेकर आना है और वो चेंज हमारे यहाँ जब तक खवातीन को नहीं कहा जाएगा, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा कि पुलिसिंग में आएँ, वो पुलिस ज्वाइन करें, जब तक हम इन चीज़ों को सही तरह से रिपोर्ट नहीं कर पाते। केसेस की अगर हम बात करें कि वो कितने हल हुए तो उसका अभी आज ही हमें ट्रेनर ने बताया कि हमारा आइडिया ये था कि 2% का रेशो होता है जो हमने पढ़ा, मगर उन्होंने कहा कि 1% से भी कम है उसका सॉल्व। GBV के वाकयात कौन से इलाकों में ज़्यादा देखने में आते हैं, मसलन देही या शहरी? जेंडर बेस्ड केसेस जो वायलेंस के केसेस हैं वो किसी मखसूस इलाके में नहीं है, कराची से बड़े शहर में भी हैं, इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में भी हैं, तो एक खट्ठा और कसूर जैसे छोटे शहरों में भी हैं, देहात में भी हैं। तो शहरों में जो बड़े वाक़यात होते हैं वो तो हाईलाइट हो जाते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन जो छोटे जो देहात हैं वहाँ पर वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती और वहाँ पर जो रिपोर्टर काम करते हैं उनके लिए उनको कवर करना भी बड़ा होता है। कबल मी टू तहरीक ने खवातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम के लिए जोरदार आलमगीर फ़ालियत पैदा की थी, उसके बाद इस हवाले से बेमिसाल आगाही पैदा हुई और इस मसले पर काबू पाने के इकदाम में तेज़ी देखने में आई। तहम इसके साथ खवातीन के मसावी हक के मुखालिफ ग्रोहों ने भी जोर पकड़ा, जिसके नतीजे में सिविल सोसाइटी के लिए गुंजाइश में कमी आई, खवातीन के हकूक़ की तंजीमों के खिलाफ रद्द अमल आया और खवातीन के हकूक़ के मुहाफिजों और कारकुनों पर हमलों में इजाफा हुआ। खवातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद के मामले में जराइम पर खुली छूट, खामोशी, बदनामी और शर्मिंदगी के बायस इंसानी हकूक़ की मुतवातर और तबाहकुन खिलाफ वर्जी बड़ी हद तक सामने लाई जाती है। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के इलामिये में कहा गया है कि खवातीन पर तशद्दुद सिंफी बुनियाद पर तशद्दुद के किसी भी इकदाम जैसा है जिसका नतीजा या अमकानी नतीजा खवातीन के जिस्मानी,
जिंसी या नफसियाती नुकसान या उनके लिए तकलीफ की सूरत में निकलता है। इसमें खवातीन को लाहक ऐसे खतरात, जबर या उन्हें नाजायज तौर पर आज़ादी से महरूम किए जाने जैसे इकदाम भी शामिल हैं, खुवा ये खुलेआम हो या निजी ज़िंदगी में किए जाएँ। VAWG के नफसियाती, जिंसी और तौलीदी सेहत पर मनफी असरात खवातीन को ज़िंदगी के हर मामले पर मुतासर करते हैं और ये सूरत हाल किसी को किसी भी जगह पेश आ सकती है। अलावा अजी ये तशद्दुद, मसावात, तरक्की, अमन और ख़वातीन और लड़कियों के इंसानी हकूक की तकमील में रुकावटें डालता रहता है और सभी को मसावी मौक़े की फरहमी के लिए पायदार तरक्की के अहदाफ के वादे को इफा होने से रोकता है। जहाँ जिंस के बुनियाद पर तशद्दुद की बात हो रही है, तो वहीं आपको बताएं कि रेप केस तो जुर्म समझ लिया जाता है, मगर माशरे में होने वाले रोज़ाना की बुनियाद पर हरासमेंट को लोग जुर्म नहीं समझते, हत्ता कि उन्हें ये भी मालूम नहीं कि हरासमेंट है क्या। इस हवाले से वर्किंग वुमेन की एक वेलफेयर की जानिब से 16 रोज़ा सरगर्मी ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन के हिस्से के तौर पर मुनक़िद किया। एक तकरीब में वर्क प्लेस हरासमेंट पर ख़िताब करते हुए सहाफ़ी शहरबानो ने कहा कि काम की जगह पर हरासा करना हमारे मुल्क में एक बड़ा मसला है। वर्क प्लेस हरासमेंट के तहत एक्ट 2010 और तरमीमी एक्ट 2022 के तहत तमाम कंपनियों, तंजीमों की एक सिंफी कमेटी होनी चाहिए जिसमें एक औरत भी शामिल हो। बदकिस्मती से बहुत सी खवातीन, हत्ता के मर्दों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट या सहूलियात देने के नाम पे बिला रोक टोक हरासा किया जाता है, जो कि उनके हुकूक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि जिनसी ताल्लुकात से मुतालिक तर्ज अमल के अलावा कोई भी ऐसा अमल जिसकी जड़ें सिंफी बुनियादों पर तफरीक पर मबनी हो और एक मकरूह और मुआंदाना काम का माहौल पैदा करता हो, वो भी काम की जगह पर ख़वातीन को हरासा करने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी एक्ट 2022 के तहत आता है। इस एक्ट का मतलब ख़वातीन के अपनी पसंद के किसी पेशे या पेशे में शामिल होने के हक़ को हकीकत बनाना है, जहां उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ मसावी सलूक किया जाता है और महफूज महसूस करें कि उनका काम करने का माहौल हरासा करने, बदसलूकी और धमकियों से पाक है। अदालत ने कहा कि काम की जगह पर हरासा करने की बहुत सी शक्लें जिनमें मसावी मौक़े से इनकार के साथ साथ जिंस की बुनियाद पर किसी की सलाहियतों पर तनकीद भी शामिल है, जो कि हरासा करने के दायरे में आता है। वफाकी और सूबाई मोहतसब के दफातर जो इस कानून के नाफिज करने के साथ साथ काम के हालात का मुस्तकिल बुनियादियों पर नज़र रखने के जिम्मेदार हैं, सो रहे हैं। अब बढ़ते हैं माजी में होने वाले ऐसे वाकयात की जानिब जो मंजर आम पर आ गए, जैसे कि शादी से इनकार पर 5 साल कबल कत्ल होने वाली तानिया खासकेली हो, रेप के बाद जैनब कत्ल केस हो, नूर मुकदम केस हो, गैरत के नाम पे कंदील बलोच कत्ल केस हो या शोहर के हाथों जिंसी जहनी तशद्दुद के बाद कत्ल होने वाली सारा हो, या फिर आए रोज़ जिंस की बुनियाद पे ख्वाजा सराओं को बदसलूकी के बाद रेप और उसके बाद उनका कत्ल हो, ये सब जेंडर बेस्ड वायलेंस में आते हैं और गैरत के नाम पे कत्ल तो फसाद फिल अर्ज है। अच्छा, ये कहा जाए कि पाकिस्तान में या ये कहा जाए ऐसे माशरों में जहाँ पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त, जिंसी बुनियाद पे तफरीक हो, तो वहाँ ख़वातीन जब अपने ख़िलाफ़ होने वाले तशद्दुद के बारे में बताती हैं तो उनको कुछ इस तरह के जुमलों का सामना रहता है। ये वो जुमले हैं जो उन ख़वातीन ने हमें बताए जिनको किसी न किसी हवाले से तशद्दुद का सामना रहा, ख्वाह वो जिंसी हो, ज़हनी हो या मौशी हो या मुआशरती। जैसे कि वो तुम्हें क्यों मारता था, तुम्हारी ज़ुबान ज़्यादा चलती होगी, तुमको खामोश रहना चाहिए था, अपनी इज्जत अपने हाथों होती है, अगर तुम बर्दाश्त कर लेती तो ऐसा नहीं होता, औरतें ही घर को चलाती हैं, अब ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचे कि वो तुम्हें क्यों मारता है के बजाय अगर सवाल ये हो कि आखिर उसने तुम्हें मारा कैसे, तो माशरे से ऐसे मनफी रुझानात ख़त्म तो नहीं मगर कम ज़रूर हो जाते, क्योंकि किसी को किसी भी बात पे मारना किसी का हक नहीं। खासे सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दें।